वैसे तो यूरोप में पीआर लेने के लिए आपको 4 से 5 साल का इंतजार करना पड़ता है, वहां पे जॉब करनी पड़ती है, रहना पड़ता है, लेकिन अगर आपके अंदर 5 साल इंतजार करने वाली वो फीलिंग नहीं है और आप बहुत जल्दी जो है वो पीआर लेना चाहते हैं, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं अर्शिया खान फ्रॉम 12 कंसल्टेंट्स और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो है वो सिर्फ 2 से 3 महीने में यूरोप के बहुत ही फेमस कंट्री स्पेन और टर्की में कैसे जो है आप पीआर ले सकते हैं बहुत कम टाइम में। तो वो पीआर जो आपको मिलती है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू मिलती है, आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी होती है उस कंट्री में जाके। अगर मैं स्पेसिफिकली स्पेन की बात करूँ तो स्पेन में जो है आप उसे कह सकते हैं गोल्डन वीज़ा। गोल्डन वीज़ा जो है वो आपको दो तरीके से, जो फेमस मेथड्स हैं जिनको यूज़ करके जो है आपको गोल्डन वीज़ा मिल सकता है, उसमें सबसे पहले तो ये आती है कि आप वहाँ पर जाके प्रॉपर्टी परचेज कीजिए और वो फिर आपको रीन्यू करानी पड़ती है 4 से 5 साल तक, और देन जो है वो आप प्रॉपर पीआर आपको मिल जाती है, यानी कि आपको प्रॉपर मलकियत मिल जाती है। लेकिन आपको वीज़ा जो है गोल्डन वीज़ा वो पहले ही मिल जाता है जो ही आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, और आपको सारे पर्क्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आपकी फैमिली वहाँ पे शिफ्ट हो सकती है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, आपको जो है वो बाकी पीआर बेनिफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, आप वहाँ पर जाके रह सकते हैं, आप वहाँ पर बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी तमाम फ़ायदे आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको जो है वो इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कितनी अमाउंट चाहिए, कितने पैसे आपने वहाँ के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराने हैं, या फिर कितने पैसों की आपने वहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज करनी है। वहाँ पे यूरोस करेंसी यूज़ होती है तो डेफिनेटली यूरोस में ही सारी अमाउंट होगी। अगर आप जो है वहाँ के बैंक अकाउंट में जाके 1 मिलियन के अराउंड जो है वो यूरोस डिपॉजिट करवा देते हैं तो फिर आपको जो है पीआर मिल जाती है। और दूसरा मेथड जो है वो इन्वेस्टमेंट का, वो इन्वेस्टमेंट में आपको मिनिमम जो आपने वहाँ पे यूरोस इन्वेस्ट करने होते हैं वो तकरीबन है 3 लाख। वो फिर आगे डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप जो है वो कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप जो है वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं और आप कमर्शियल प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी बड़ी अमाउंट है और बहुत सारे लोग ये वीडियो देख के सोच रहे होंगे कि इतने पैसे जो है वो हम क्यों इन्वेस्ट करें स्पेन में गोल्डन वीज़ा लेने के लिए। तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि एक जो आपने 5 साल के बाद जाके पीआर लेनी है वो आपको पहले ही मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली को वहाँ पे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे आपकी फैमिली रह सकती है प्रॉपर, आपके बच्चे जो है वहाँ पे फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, वहाँ के अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप वहाँ पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, आपको अकोमोडेशन फैसिलिटीज़ मिलती हैं और बाकी तमाम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं पीआर की, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट देती है फॉरनर्स को, ये तमाम फैसिलिटीज़ आपने जो 5 साल के बाद इंजॉय करनी है वो आप पहले ही इंजॉय करना शुरू कर देते हैं। और उसमें मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आपको जो गोल्डन वीज़ा मिलता है वो 1 साल का मिलता है और फिर वो आपको हर 2 साल बाद रीन्यू करवाना होता है जब तक आप उस प्रॉपर्टी को रखते हैं, और फिर जो है वो 5 साल के बाद आपको प्रॉपर पूरी अपनी मलकियत मिल गई। हाँ, उसमें आपको एक बेनिफिट ये भी होता है कि डेफिनेटली जो प्रॉपर्टी आपने परचेज किया, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आप उसे रेंट आउट कर सकते हैं, यानी कि आप उसका रेंट भी इंजॉय कर सकते हैं बाकी पर्क्स एंड बेनिफिट्स के साथ। अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं तो उसमें भी डेफिनेटली रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट है, कहीं पे भी आपको नुकसान नहीं होता रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट से, चाहे आप पाकिस्तान में करें, चाहे आप स्पेन में करें, या चाहे आप जो है वो दुनिया की किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करें, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आपको कभी भी नुकसान नहीं देती। हाँ, अगर बात की जाए बैंक अकाउंट इन्वेस्टमेंट की तो उसमें आपको जो है वो पैसे डिपॉजिट कराने होते हैं और ये एक प्रूफ होता है कि आप हमारी कंट्री में आके हमारे साथ जो है एक लेविश लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं स्पेन में आपको जब आप गोल्डन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले एज फैक्टर है, आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। सेकंड जो है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपने जो है वो प्रूफ ऑफ फंड्स वहाँ पर शो करवाने होते हैं कि मेरे पास इतनी अमाउंट है। और जो फोर्थ वन है वो ये है कि आपके पास जो है वो मिनिमम 1 साल की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ फंड्स में यही है कि आपने जो है वो अपने साथ मतलब ये दिखाना होता है कि आपके पास इतनी अमाउंट है और आप वहाँ पे एलिजिबल हैं, आप प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी परचेज करने के अलावा भी जो है वो आपके पास इतनी अमाउंट है कि आपको जब अगर इनिशियली अगर आपको वहाँ पे जॉब मिलने में थोड़ी सी मुश्किल
पेश आ रही हैं, तो आप जो है वो अपना अपनी फैमिली का जो है वो गुजर बसर अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब जो है हम बात कर लेते हैं कि टर्की जो कि बहुत ही फेमस कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और वहाँ पे जो है वो हर कोई जाना चाहता है क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, और वहाँ पे भी बहुत सारे पीआर बेनिफिट्स मिलते हैं। एजुकेशन के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशनली भी टर्की जो है वो वर्ल्ड बेस्ट कंट्री माना जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और बाकी सारे पर्क्स भी आपको टर्की में मिलते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पाकिस्तानियों के लिए टर्की इसीलिए भी फेवरेट कंट्री है क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्रीज़ में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैनेज करने में किसी भी किस्म की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। अच्छा, बात वही है कि आपको दो तरीके से जो है वो पीआर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है। टाइम पीरियड वही होता है कि फर्स्टली आपको एक साल के लिए मिलता है, एंड देन जो है वो आप अपनी प्रॉपर्टी को रीन्यू कराते हैं सिर्फ दो महीने में आपको, यानी कि 60 डेज़ टर्की में जो है वो 60 डेज़ में आपको पीआर मिल जाती है। तरीके वही हैं, या तो आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या फिर आपने कुछ अमाउंट जो है वो उनके बैंक में जो है वो डिपॉजिट करानी होती है। अच्छा, स्पेन में यूरोस चलते हैं लेकिन टर्की में जो है वो आपने डॉलर्स में अमाउंट जो है वो सबमिट करानी है, यानी कि डिपॉजिट करवानी है। तो टर्की में दो ही मेथड्स हैं जो कि मोस्ट कॉमन और मोस्ट पॉपुलर मेथड जो है वो लोग फॉलो करते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू पीआर लेने के लिए। एक तो ये है कि रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और सेकेंडली अगेन वही कि बैंक अकाउंट में जो है वो कुछ अमाउंट डिपॉजिट करा लेते हैं। टर्की में जो है वो आप अगर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको $4,00,000 की इन्वेस्टमेंट करनी होती है, लेकिन अगर आप बैंक अकाउंट की तरफ जाते हैं तो $5,00,000 की इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है। तो अगेन वही प्रोसेस है कि फिर आपको जो है एक साल के बाद या दो साल के बाद अपनी जो आपको वीज़ा मिला हुआ होता है वो आप जो है रीन्यू करवाते हैं। अच्छा, इसका प्रोसेस ये है कि आप जो है पहले डी नेशनल वीज़ा पे जाते हैं, आपको डी नेशनल वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है, जो कि आई थिंक सो आपके पास जो है एक साल का टाइम होता है, और आप जो है उस एक साल में उस कंट्री को जाके विजिट कर सकते हैं, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के रेट्स चेक कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी मार्केट जो है रियल स्टेट की वहाँ पे आप उसे देख सकते हैं। डेफिनेटली जब आप इतनी बड़ी अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो है इन रिटर्न वहाँ की प्रॉपर्टी या जहाँ भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपको नुकसान नहीं देनी चाहिए, या फिर आप जो है यहाँ पे पाकिस्तान बैठ के वहाँ जो है किसी की बातों में आके इन्वेस्टमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा। फिजिकली जाके प्रॉपर्टी को विजिट कीजिएगा और तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आपको टर्की में भी पीआर जो है वो 60 डेज में मिल जाती है, दो साल की होती है, और फिर आगे आपको रिन्यू करानी पड़ती है अनटिल और अनलेस आप उस प्रॉपर्टी को रखते हैं, जब तक आपको प्रॉपर पूरी मलकियत नहीं मिल जाती। बेनिफिट्स वही हैं, आप जो है वो अपनी फैमिली को वहाँ पर ले जाते हैं, आप वहाँ पर जाके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और आपको रहने के लिए जगह मिल जाती है, आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री हो जाती है, और जो है वो आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने में, या कोई भी बिज़नेस जो है वो आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। अच्छा, अब जो है वो मैं बहुत ही ख़ास बात करने लगी हूँ टर्की में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एज़ वी ऑल नो कि एक साल पहले टर्की में बहुत ही स्वेयर, बहुत ही ख़तरनाक किस्म का जलजला आया था, जिसकी वजह से टर्की जो है वो बहुत क्राइसिस में चला गया था और हाइपर इन्फ्लेशन हो गई थी। लेकिन अब जो है वो सिचुएशन डे बाय डे ठीक होती जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंसर्न ये लाजमी होगा कि अगर हम टर्की में जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट कैसे फ़ायदा दे सकती है, क्योंकि वहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन है। लेकिन अब जो है वो हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, अब जो है वो लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। बीच में TRC का भी एक आया था, कुछ अमाउंट पे आपको TRC मिल जाती थी, लेकिन अब जो है वो आप प्रॉपरली वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके अपनी प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि एक रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि आने वाले दिनों में टर्की में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो बहुत बूस्ट करने लगी है। तो ये आपके पास अभी एक अच्छा टाइम है, गोल्डन टाइम इसे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप अभी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी आपको फ़ायदा देगी जो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके अलावा जो है वो आपको पीआर मिल जाएगी, आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि एक जेनेरिक वीडियो है और ये आपको अवेयरनेस देने के लिए वीडियो है। पहले मैंने वीडियोज़ बनाई कि आप स्टडी के लिए जाएँ,
फिर मैंने वीडियोस बनाई कि आप जो है वो वर्क परमिट के लिए कौन कौन से कंट्रीज़ में जा सकते हैं। अब जो मैं वीडियोस आपके लिए बना रही हूँ वो यही है कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ में PR बाय इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे हासिल कर सकते हैं। और मैं मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ बनाऊँगी। मेरी अगली वीडियो जो आएगी वो बहुत ही ख़ास होगी, क्योंकि उसमें आपको इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। वो यूरोप की दो फेमस कंट्रीज़ जो हैं उनके बारे में होगी, और उसके लिए आपको हमारे साथ रहना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि जो ही मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी आप तक वो वीडियो पहले मौसूल हो जानी चाहिए, तो ही आपको फ़ायदा है और आप इंफॉर्मेशन भी गेन कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।